ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ये लाइन इंग्लिश लिटरेचर में बहुत अहम स्थान रखती है। जी हाँ, हम बात करें ऑड ऑन ए ग्रेशन अर्न की लास्ट दो लाइंस की, जिन्होंने जॉन केट्स को मोस्ट रोमांटिक ऑफ रोमांटिक पोइट्स बना दिया था। जी हाँ, आज इस वॉल्यूम में हम इन्हीं दो लाइन पे डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं हूँ आपका दोस्त सलामत अली खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलामत अली खान, जिसपे हम इंग्लिश लिटरेचर की पोएम्स को कॉन्सेप्ट बेस्ड पे डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने देखा कि अर्न जो है वो स्पीकर के लिए एक रिडल साबित हो चुका है, जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार के चित्र चित्रित हैं और वो किस प्रकार की दास्तान बयां कर रहे हैं उनको समझा पाना आखिरकार स्पीकर के लिए मुश्किल हो जाता है। तब जो अर्न है वो एक फ्रेंड के रूप में किड्स को और हम सबको एक ही मैसेज देता है और वो है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, कि सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। जी हाँ, आपने सत्यम सिम सुंदरम का ये गाना तो सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। जरूर इस गाने को सुन के हम कह सकते हैं कि राज कपूर साहब जो है वो इस लाइन से प्रभावित हुए होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने एक खूबसूरत गाना भी बना डाला। लेकिन ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ है कैसे? देखिए, ये मैसेज जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है ये अर्न का है और अर्न है वो एक फ्रेंड के रूप में स्पीकर को ये मैसेज देता है। देखिए, इसमें क्लियरली मैसेज छुपा हुआ है दैट डू नॉट ट्राई टू गो बियॉन्ड द ब्यूटी ऑफ द अर्न एंड इट्स इमेजेस व्हिच आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इटर्नल, कि आप इस अर्न के ऊपर जो कलाकृतियां बनी हुई है उनकी खूबसूरती से परे जाने की मत सोचिए कि आखिर उनके अंतर्गत क्या गहरा अर्थ छुपा हुआ है। ह्यूमैनिटी के लिए इतना ही काफी है कि ये जो ब्यूटी है वो अपने आप में एक ट्रूथ है। कहने का मतलब जो खूबसूरती आपको दिख रही है वही सच्चाई है। सो द ब्यूटी इटसेल्फ इज इनफ फॉर ए ह्यूमन एंड दैट इज द ओनली ट्रूथ दैट वी कैन ग्रास्प। जब खूबसूरती और सच्चाई अलग अलग है ही नहीं, जब ब्यूटी और ट्रूथ जब अलग अलग है ही नहीं, तो हमें उस अर्न के ऊपर चित्रित जो कलाकृतियां हैं उनसे परे जाकर सोचने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज ऑल, यस, यही एक सच्चाई है जो मानवता को जाननी आवश्यक है। ये नो ऑन द अर्थ, ये जो होता है वो यू की प्लूरल फॉर्म होती है, याद रखिएगा। देखिए, ये जो लाइन है वो है एक एपिग्राम। दूसरा, अगर इसमें लिटरेरी डिवाइस की बात की जाए तो इसमें है काइएज्मस। याद रखिएगा, काइएज्मस क्या होता है? When two clauses are balanced against each other, we can say with a reversal structure. जब एक reverse structure के साथ दो clauses को एक दूसरे के against संतुलित किया जाता है, तो वहाँ पे काइएज्मस होता है। याद रखिएगा, beauty is truth और truth beauty, जब same ही line दोबारा repeat हो same sense में ही, तो उसमें काइएज्मस होता है। अगर इसके अंतर्गत टोन की बात की जाए तो वो है माइल्ड रेमोन्स्ट्रेशन। लेकिन इस वॉल्यूम के अंतर्गत सिर्फ इस लाइन को एक्सप्लेन करना ही मेरा उद्देश्य नहीं था। देखिए, विभिन्न क्रिटिक्स ने अपने अपने विचार दिए हैं। पहली चीज तो इसके अंतर्गत ये है कि हो सकता है आपको जो कोटेशन विभिन्न प्रकार की बुक्स में देखने को मिले तो ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी के अंतर्गत ही देखने को मिलेगी। लेकिन मेन मसला ये है कि वेयर शुड द कोटेशन मार्क बी, कि कोटेशन मार्क कहाँ पे होना चाहिए? क्या ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी में ही होनी चाहिए? कहने का मतलब सिर्फ यही इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लाइन है जो अर्न कह रहा है, बाकी की लाइन क्या पोइट कह रहा है क्या? देखिए, बहुत सारे रीडर्स का मानना ये है कि जो इन्वर्टेड कॉमा में जो लाइन है वो ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी है, बाकी का जो मैसेज है वो यहाँ पे स्पीकर ने दिया है। कहने का मतलब ये जो कोटेशन मार्क के अंदर जो लाइन है वो तो अर्न की है और बाकी जो कहने वाला है वो स्पीकर है। देखिए, अगर ऐसा होता तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही उल्टा हो जाता। देखिए कैसे, ये नो ऑन द अर्थ, ये होता है प्लूरल फॉर्म होती है यू की, कि तुम्हें धरती पर यही बात जानने की आवश्यकता है। क्या स्पीकर इस बात को कह सकता है? अगर स्पीकर ये कहता है, कहने का मतलब वो तो इस धरती का है ही नहीं, वो तो इस संसार का अंग ही नहीं है, तो ऐसा संभव नहीं है। ये अर्न है वो स्पीकर प्लस ऑल ह्यूमैनिटी को कह रहा है, तो इस चीज को याद रखिएगा। ये जो यूज किया गया है यहाँ पे वो स्पीकर प्लस ऑल ह्यूमैनिटी लिविंग ऑन द अर्थ,
उस धरती पे जो जितनी भी मानवता रह रही है उन सारों को संबोधित किया गया है इस लाइन के अंतर्गत। दूसरा देखिए, अर्न इज नॉट मेड ऑफ अर्थ। अर्न जो है वो धरती का हिस्सा नहीं है, इट इज ए पार्ट ऑफ नेचर, ये प्रकृति का हिस्सा है। यही वजह है कि धरती पे जो लोग रह रहे हैं उन पर टाइम का प्रभाव होगा, लेकिन ये अर्न जो है ये प्रकृति का हिस्सा है, वो सच्चाई और सुंदरता दोनों को समाहित किए हुए। तो ये लाइन हमें अर्न के वर्ल्ड से खुद को डिस्कनेक्ट करती है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा कि यही बात है कि ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी, दैट ब्यूटी एंड ट्रूथ आर नॉट सेपरेट थिंग्स, दे आर मिंगल्ड विद ईच अदर। देखिए, द पोएम एक्सप्रेसेस ए किनशिप बिटवीन ट्रूथ एंड ब्यूटी। देखिए, इससे ये स्पष्ट हो जाता है दैट ब्यूटी एंड ट्रूथ आर नॉट सेपरेट थिंग्स, दे आर सेम, वो दोनों एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। ये नो ऑन द अर्थ, यही बात है जो सारे धरती पे जानते हैं और जिनको जानने की आवश्यकता है। कहने का मतलब यही है कि ब्यूटी और ट्रूथ है वो सेपरेट थिंग्स नहीं है। पहली बात तो ये हो जाती है यहाँ पे कि ये जो कोटेशन मार्क है वो इन लास्ट दोनों लाइनों पे होगा, तो इस पोएम के कॉन्सेप्ट के लिहाज से सही होगा। देखिए, दूसरा, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, इस अर्न के मैसेज को विभिन्न क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज भी किया है। पहला देखिए क्रिटिसिज्म क्या है इसका, इफ दे आर सेम देन वाई शुड वी यूज डिफरेंट वर्ड्स, अगर वो सेम ही है तो हम दो वर्ड अलग अलग क्यों यूज करें, ब्यूटी एंड ट्रूथ। दूसरा इसमें कहा गया है, यू नो ऑन द अर्थ, इफ वी नो ऑन द अर्थ देन वाई आर यू आस्किंग अस टू नो इट, अगर हम ये जानते ही हैं तो आप हमें ये बात की हिदायत क्यों दे रहे हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इफ वी डोंट नो देन वाई शुड वी नो वेयर इट विल हेल्प अस इन लाइफ, अगर हम इसे नहीं जानते तो हमें जानने की आवश्यकता क्यों है, ये हमारी कहां पे मदद करेंगे। तो इस प्रकार के कई क्रिटिक्स के विचार भी उभर कर सामने आते हैं। तो इस पोएम की लास्ट दो लाइन में हमारे सामने दो कॉन्सेप्ट उभर के आते हैं, ब्यूटी और ट्रूथ का। देखिए, ब्यूटी डज नॉट रेफर टू ओनली प्रीटी थिंग्स और वी कैन से ग्रेसफुल राइटिंग्स, केवल ग्रेसफुल राइटिंग्स और प्रीटी थिंग्स के लिए ही ब्यूटी का यूज नहीं किया जाता। ब्यूटी इज एवरीथिंग दैट गिव्स अस अ सेंस ऑफ ग्रैंडियर, जो भी हमें ग्रैंडियर का सेंस दे वो अपने आप में ब्यूटी है। दूसरा, ट्रूथ, ट्रूथ इज नॉट समथिंग व्हाट कैन बी थॉट, ट्रूथ केवल वो चीज नहीं है जो सोचा जा सकता है। इट इज टू रिमोट एंड कॉम्प्लिकेटेड लाइक द आइडिया ऑफ इटर्निटी, ये इटर्निटी की तरह ये भी अपने आप में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सो द स्पीकर गिव्स अ मैसेज थ्रू दिस पॉइंट दैट वी डोंट नीड द ट्रूथ विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वर्ड, ब्यूटी इज एनफ फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ, हमें ऐसी सच्चाई की आवश्यकता नहीं है जो हमें शब्दों के अंतर्गत व्यक्त करनी पड़े, अपने आप में सुंदरता है वो भी एक सुखद जीवन जीने के लिए काफी पर्याप्त है, जो सारी मानवता को जानना चाहिए। तो हम कह सकते हैं द लास्ट पॉइंट इज सुपर रेडिकल एंड इट इज व्हाट मेक्स जॉन कीट्स मोस्ट रोमांटिक ऑफ रोमांटिक पोएट्स। तो फ्रेंड्स, ये थी ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, जिसके लास्ट पॉइंट को हमने बेहद अच्छे तरीके से डिस्कस करने की कोशिश की है। आप इसी प्रकार से लिटरेचर को पढ़ते रहिए और विभिन्न क्रिटिक्स की तरह आप भी अपनी राय देते रहिए। केवल टेक्स्ट पढ़कर उसका ट्रांसलेशन करना ही लिटरेचर पढ़ना नहीं होता। जब तक हम खुद अपने आप को एक कैरेक्टर के रूप में उस कॉन्सेप्ट से नहीं जोड़ते, तब तक हमारी जो शॉल होती है, जो हमारी कनेक्टिविटी होती है, वो उससे टच नहीं हो पाती। तो इसी प्रकार की बेहद इंपॉर्टेंट जानकारियां लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आपके जो भी प्रकार के विचार हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइए, ताकि मैं भी जान पाऊं कि आप इन वीडियोस के बारे में क्या सोचते हैं, लिटरेचर पढ़ने का आपका क्या उद्देश्य है, क्या वाकई जो उद्देश्य मैं लेके चला हूं वो वाकई पूरा हो तो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे एक नई पोएम के साथ, उतनी अच्छी और इम्पोर्टेंट जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शब्बा खैर।